हेलो फ्रेंड, आज मैं बात करने वाला हूँ इन ड्राइवर पे। इन ड्राइवर को लखनऊ में कुछ लोग बाइकाट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस ऐप को बंद कराना चाह रहे हैं और चाहते हैं ओला या उबर चले, इन ड्राइवर को बंद कर दिया जाए। इस ऐप को बंद कराने के पीछे कितने लाखों रुपए का पैसा चल रहा है ये मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊँगा। पहले मैं कुछ आपको डिटेल दिखाना चाहता हूँ जिसे आप खुद भी अपने मोबाइल पर चेक कर सकते हैं इस तरह जनरेट करके। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने ओला पे जनरेट किया है लुलू मॉल से सहारागंज मॉल तक का फेयर दिखाया है 239 रुपया। अब मैं आपको दिखाऊंगा इन ड्राइवर पे जनरेट करके। इन ड्राइवर पे वही लोकेशन पे फेयर शो किया है 255 रुपया। अब मैं आपको दिखाता हूँ ऊबर पे, इस पर 239 रुपये 91 पैसा दिखाया है। अब आइए हम इनको कंपेयर करते हैं। ये सबसे पहले मैंने दिखाया इन ड्राइवर पे 10% पैसा काटती है, 255 का फेयर है, 10% कटने के बाद 229 रुपया 50 पैसे आपको मिलेंगे। ओला का एक फॉर एग्जांपल मैंने दिया है, 18 अगस्त का 90 रुपये मिला है, इस पे कमीशन कितना कटा है वो मैंने दिखाने की कोशिश किया है, तो उसी हिसाब से 27 कटा था। तो ये 239 में 27% कटने के बाद 174 रुपये 47 पैसा आपके इन हैंड इसमें अर्निंग है। अब मैं आपको ऊबर का एक राइड दिखाऊंगा जिसमें कि आपको पता चल जाएगा कैलकुलेशन के बाद कितना परसेंट कट रहा है। ये 90 रुपये मिला है और फेयर था 140 रुपया, 140 में 90 मिला है, कितने परसेंट कटा है आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 35.5% कटा है। इसमें मैंने फेयर था 239.91, 35% काटने के बाद 154 रुपये 75 पैसे अर्निंग हुई आपकी। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस पे फेयर उठाना चाहेंगे, ओला उबर इन ड्राइवर पे, क्योंकि ओला पे आपकी अर्निंग 174 रुपया 47 पैसा है, उबर पे 154 रुपये 75 पैसे हैं और इन ड्राइवर पे 229 रुपया आपको अर्निंग है, मतलब इन हैंड आपको मिलने वाला है। अब डिसाइड आपको करना है, आप चाहें तो खुद भी चेक कर सकते हैं। अब इतना होने के बाद भी लोग इसे बंद कराना चाहते हैं, ऐसा क्यों? इसके पीछे काफ़ी पैसा चल रहा है, इन ड्राइवर ने मार्केट पकड़ लिया है जिसकी वजह से बड़ी कंपनियों को होने लगा नुकसान, जिसकी वजह से वो मोटी रकम दे रहे हैं कुछ लोगों को, जिससे कई लोग मिलके इस ऐप को बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कई लोगों से बात की तो पता चला है कि वो कहना उनका ये है कि इन ड्राइवर अभी कोई सिक्योरिटी नहीं दे रही है, कोई आपके सेफ्टी का बात नहीं कर रही है। तो भाई, ओला उबर जब नहीं आई थी तो उन्होंने कौन सा सेफ्टी की बात की थी? वो तो आपको 25% कमीशन काटती थी और प्लस इंसेंटिव अलग देती थी, बोनस देती थी, वो सब बंद हो गया। तो इसके पकड़ के बैठने से कुछ नहीं चलेगा, समय बदलता रहता है, इन ड्राइवर आगे भविष्य में अगर आगे बढ़ गई तो वो भी देना शुरू कर देगी, तो ये सब कहना बेकार है। मेन मुद्दा पैसे का है, जिसके जेब में अभी मोटी रकम मिलने वाली है वो पूरा प्रयास कर रहा है इसे बंद कराने के लिए, क्योंकि अभी ये छोटी कंपनी है, ये पैसा खर्चा कर नहीं पा रही है लोगों पे, तो इसी वजह से इसको बंद कराने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आप ओला उबर चलाते हैं, अगर आपको अपने फैमिली के लिए ही अगर कोई गाड़ी अगर बुक करनी पड़ जाए, अगर आप घर पर नहीं हैं, किसी और मम्मी पापा के लिए गाड़ी बुक करनी हो, तो आप भी इन ड्राइवर ही बुक करेंगे। वो इसलिए क्योंकि कम पैसे में आपको सुविधा मिल रही है, दूसरा ये कि अगर लोकेशन गलत भी पड़ गया तो भी वो आपको कोऑपरेट करेगा और उसके आपके बेवजह के पैसे नहीं कटेंगे, जिस तरह ओला उबर में पैसे कट जाते हैं वेटिंग चार्ज करके, बहुत सारी चीज़ें हैं उस सब पे डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो दोस्तों, हर कोई चाहता है कि कुछ पैसे उसके बच जाएं और कम पैसे में उसका पूरा काम निकल जाए।